जेई एडवांस, वो एग्जाम जो आपको देश के प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में ले जाने की एंट्री देता है। आपके दिमाग में रहता होगा, कभी सोचा होगा कि सर एग्जाम आ गया है, 2 दिन पहले क्या करना है। वही सब बातें, वही फाइनल टच देने आपके लिए साथ में आया हूँ। मायसेल्फ ओम शर्मा, आप लोगों का मैथमेटिक्स का मेंटर। आपको क्या लगता है, ये एडवांस वाले सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को चेक करते हैं? एग्री करते हैं इस पर, या कुछ और भी चेक करते हैं किसी कैंडिडेट के अंदर? जी हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं चाहिए उन्हें, एक स्टूडेंट के अंदर और भी कई सारी चीजें चाहिए, जैसे उसका क्विक डिसीजन मेकिंग आना चाहिए, स्ट्रेटेजी बनानी उसको आनी चाहिए। यही मेन रीजन है कि जेई एडवांस का जो मार्किंग स्कीम है, या जो एग्जाम के पैटर्न जो होगा, कौन से कोड का पेपर आएगा, ये स्टूडेंट्स को पहले से डिक्लेयर नहीं किया जाता। जहां पर जेई मेन के अंदर सभी चैप्टर्स का इक्वल वेटेज है, जेई एडवांस के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर चैप्टर्स की इंटरमिक्सिंग करना और किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछना पिछले कई वर्षों से देखा गया। तो सबसे पहले जो हम स्टूडेंट्स को गाइड करके देते हैं कि भाई पेपर का पैटर्न ऐसा आएगा तो आपको ये स्कीम लगानी है, अगर ऐसा पैटर्न आता है तो ये वाली स्कीम आपको लगानी, इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। जेई एडवांस हमेशा इस बारे में नया पैटर्न लेकर आता है, और इस साल भी वो कुछ ना कुछ नया जरूर लेकर आता, ताकि एक स्टूडेंट उस पर्टिकुलर मोमेंट पर ये सोचे कि मुझे इस पेपर की स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए, कि मेरे जो मार्किंग का जो तरीका है, ताकि मेरे जो मार्क्स है वो मैक्सिमम निकल के आए। तो सबसे पहले सभी वो स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने वाले हैं, उन सबको पहली चीज ये है, इंस्ट्रक्शंस सबसे पहले बहुत केयरफुली पढ़ें, ठीक है? आपने हो सकता है जितने मॉक टेस्ट अभी तक दिए हो, वैसा एक भी मार्किंग स्कीम का या पेपर कोड जो हो सकता है जेई एडवांस का, वैसा आपने एक भी ना दिया हो, तो सबसे पहले जब आपको मार्किंग स्कीम के इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे पेपर के पहले, उनको बहुत केयरफुली पढ़ना और अपनी जो प्लानिंग है उसी के अकॉर्डिंग बनाइएगा कि मुझे कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना, क्योंकि मार्किंग स्कीम, नेगेटिव मार्किंग और जो पेपर पैटर्न है, इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? सो नंबर वन थिंग इज दिस, उसके पहले, एग्जाम के पहले स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं कि 10th क्लास के बाद से मैंने डिसीजन लिया था साइंस मैथ्स लेने का, और एक IITian बनने का, NITian बनने का जो सपना देखा था, उसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस का जो समय है वो आ गया है। मॉक टेस्ट देते टाइम आप कई बार मॉक टेस्ट को जल्दी फिनिश कर देते हैं, ये सोच करके चलो ये मॉक टेस्ट ही तो है, लेकिन जब आप फाइनल एग्जाम में जाएंगे तो पेन थोड़ा सा कांपता है, डर लगता है, एक स्टॉमक में बटरफ्लाईज आ जाती हैं एकदम से, कि कैसे होगा, क्या होगा, यही आपके दिमाग में चल रहा होगा। नॉट ओनली यू, पेरेंट्स के भी दिमाग में रहा होगा, अब जो चल रहा होगा, बेटा अच्छे से पेपर देना है। ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, उन सभी पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि सिर्फ एक स्टूडेंट तैयारी नहीं करता, उनके साथ उनके पेरेंट्स और टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं, स्पेशली जिन बच्चों की मदर्स जो पूछ रहे 1 डेढ़ साल 2 साल से उन बच्चों का केयर कर रही है, सुबह उठना, उनका होमवर्क करना, चाय पिलाना, देर रात अगर वो पढ़ रहे हैं मैगी बना के देना उनको, या जो उनको चाहिए सारी रिक्वायरमेंट, नॉट ओनली मदर, फादर, एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। सो कुछ वो बातें जिनका हमें जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम टाइम में पैनिक नहीं होना है, बस एक एजेंडा लेके रखना है, वो एजेंडा ये है कि मेरे को जितना आता है, मुझे जितनी नॉलेज है, अगर मैं उस नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट कर पाता हूं, तो यही तरकीब क्या होगी, ये तरीका क्या होगा, बस अगर मैं कन्वर्ट कर पाऊं मेरी नॉलेज को मार्क्स में, यही बेस्ट है, मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी। उस बेस्ट परफॉर्मेंस के बाद मेरे क्या रैंक आती है, क्या कॉलेज मिलेगा, वो सारा डिस्कशन बात का। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये बन जाती है कि जितनी मुझे नॉलेज है, मुझे बस वो मार्क्स में कन्वर्ट करके लेकर आनी है, क्योंकि दुख एक स्टूडेंट को तब होता है जब उसको आते हुए क्वेश्चन, या क्वेश्चन उसको आते हैं जब उसके उसको मार्क्स नहीं मिलते, तब उसका फिर दिमाग खराब होता है या परेशान होता है, वो स्टूडेंट डिस्टर्ब होता है, उसको जितना आता है अगर उतने के उसको मार्क्स मिल जाते हैं, ही इज मोर देन हैप्पी। तो यही आपका कर्मा है, यही आपको करके आना है। तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है वो एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ, डे वाइज प्लानिंग, टाइम वाइज प्लानिंग के साथ। सो देखिएगा, तो टेंशन, वरीड होना, नर्वस होना, ये बहुत नेचुरल सी बात है। फाइनल डे के दिन परफॉर्म करना, एक ही दिन में 2 पेपर देना, वही तीनों सब्जेक्ट एक साथ आना,
हम एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आएगी 27th के नाइट को हमें क्या करना है। जैसे आपको पता है 29th को 28th को दोनों पूरे दिन में दो शिफ्ट में एग्जाम है, तो सबसे पहले तो हमें 10 o'clock या 10:30 के आसपास सो जाना है। उस रात जागना नहीं है लेट नाइट, वरना हम अगले दिन के लिए जो एनर्जी है वो स्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो माइंड का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक प्रॉपर स्लीप इस दिन ले लेते हैं तो आपको हो सकता है एग्जाम के ड्यूरेशन में वो कॉन्सेप्ट भी याद आ जाए जो आपने 15 दिन पहले रिवाइज किए थे। लेकिन अगर आपका दिमाग थका हुआ है तो फिर आप वो 2 दिन पहले पढ़ी हुई चीजें भी अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाए। तो दिमाग को रेस्ट और स्लीप बहुत जरूरी है। मॉर्निंग में उठने के लिए आप 5:30 के अराउंड उठ सकते हैं। जिनका दूर डिस्टेंस पर सेंटर आया है वो अवॉइड करें लेट नाइट जर्नी को, रात भर की जर्नी को, उसके पहले ही सेंटर पे पहुंच जाए। फिर भी अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है और आपको जर्नी करनी पड़ रही है, थोड़ा सा रास्ते में ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा सा स्लीप ले सकें। वैसे तो अवॉइड करना, लेकिन अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान रखिए। इसमें वो सारे स्टूडेंट लकी हैं जिनका सेंटर उनकी जगह से बहुत आसपास ही है, तो उन सबको तो नॉर्मल सा रूटीन फॉलो करना है। अपना जो डिनर करेंगे एक दिन पहले, जितना आप करते हैं उसका 80% 70% रखें और सो जाए। बहुत ज्यादा नहीं जगना है उस रात। उस रात कोई भी पेपर रिवाइज करने के लिए रात भर जगने की गलती मत कीजिएगा। ठीक है, तो 27 के नाइट को हमें बहुत सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिनर लेके 10 साढ़े 10 के आसपास हम सो जाएंगे। जो हमारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी हमें चाहिए, एडमिट कार्ड वगैरह, उन सबके प्रिंट वगैरह बक के पहले से रखेंगे, पेन पेंसिल एवरीथिंग जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो सब चीज़ें। ठीक है, वैसे आई थिंक यही एडवांस वाली वो चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। अब जो बेसिक डाउट जो बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर मार्क्स नहीं आते, मार्क्स नहीं आते, इस वजह से रात को नींद नहीं आती। एक दिन पहले जो गाना चलता है ना, यही रात अंतिम यही रात भारी, तो वैसा जो दिमाग में थॉट चलने वाली बात है, ये मजाक के मतलब बिल्कुल नहीं है, पर जो सीरियस या सिंसियर एस्पिरेंट है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चलता रहता है कि यार कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, कल फाइनल एग्जाम है, जिसके लिए मैं इतने जिंदगी के 2 साल दिए हैं, ड्रॉपर से जिंदगी के 3 साल दिए हैं, पेरेंट्स सबने मेहनत की है इस रिजल्ट के, ये वो मॉक टेस्ट नहीं है, इसका रिजल्ट मुझसे कोई नहीं पूछेगा, इसका रिजल्ट तो मुझसे सब पूछने वाले हैं। इस रिजल्ट के लिए तो थोड़ा सा रहता है कि सर नींद नहीं आ रही है, परेशान हो रहे हैं सर। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप सुनिएगा जो मैं आपको बताता हूँ, ये है कि आपको जो कॉन्सेप्ट आते हैं उसके कन्वर्जन के बारे में हमने सोचना है बस। ठीक है, तो और कैलकुलेशन का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो आपको पेपर वर्क के लिए जो स्पेस प्रोवाइड किया जाए या जो आपको पेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे, थोड़ा सा उसको आराम से लाइन ड्रॉ कर करके आप यूटिलाइज करिएगा, ताकि जब आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को वापस से देखते हैं, रीलुक करते हैं, तो आपको वहां पे समझ में आ जाए कौन सा क्वेश्चन ने किस जगह पे कितना स्पेस में किया था। ठीक है, जिससे टाइम बचेगा। तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ, क्योंकि अगर हमें कॉन्सेप्ट आता है और हमारी कैलकुलेशन मैनिपुलेशंस उतनी अच्छी नहीं है तो हम आंसर तक नहीं पहुंचेंगे, और अगर हम आंसर तक नहीं पहुंचेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। और यही वो मेजर टॉपिक है, ये मेजर बात है जहां पे स्टूडेंट्स को दुख होता है, कॉन्सेप्ट आता था, मार्क्स नहीं ला पाया क्योंकि मैं टिक नहीं कर पाया फाइनल एग्जाम में कि आंसर क्या था। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, जब आपको स्पेस प्रोवाइडेड रहेगा उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन को नीटली क्लीनली करिएगा कॉन्सेप्ट के साथ साथ। कोई क्वेश्चन आधा रह जाता है, थोड़ा सा उसी क्वेश्चन के नीचे 4-5 लाइन का स्पेस छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर दें कर्ली ब्रैकेट में कि हाँ भाई इसके बाद दोबारा जब मैं आऊंगा तो मैं इसको यहीं पर कंप्लीट यहीं से पिक करूंगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मार्क्स तब तक, मार्क्स सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं आते, इसके साथ साथ आपको कैलकुलेशन मैनिपुलेशन की भी जरूरत पड़ेगी जेई एडवांस के एग्जाम के अंदर। ठीक है, प्योर थ्योरिटिकल क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं। एमसीक्यू में एक दो ऑप्शन आपके ऐसे हो सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट में, लेकिन आपको पेन कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी एज फार एज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज कंसर्न। ठीक है, हमने बात, तो इसकी वजह से परेशान नहीं होना है 27 के नाइट को सोने के पहले, नींद नहीं आ रही, परेशान नहीं होना, दिमाग में रख के चलें कि मुझे कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन को भी फोकस करना है और मार्क्स में कन्वर्जन करना है अपनी नॉलेज का। ठीक है, मेंटल स्टेट कैसी रहेगी सर मॉर्निंग में फर्स्ट पेपर के अंदर? सेम रहने वाली है जैसे आप जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट जब देने गए थे या सेकंड अटेम्प्ट देने गए थे, तो आपके पूरे दिन में एक ही पेपर था, तो आपका अभी भी मेंटल स्टेट सेम ही रहेगा।
मतलब आपके दिमाग में ऐसा कुछ नया नहीं रहेगा, जैसे उस पेपर में साथ था, जो जो आपने एक्सपीरियंस किया अभी जेई मेन, वो सेम ही रहेगा, आप सिमिलर मेंटल स्टेट में ही रहने वाले हैं। लेकिन इस बार आपके एक ही दिन में दो पेपर रहेंगे, तो जब आप एक पेपर देने के बाद दूसरा पेपर देने जाएंगे, तो एक ही दिन में दो पेपर हैं, तो वो जो पहले पेपर में आपका कैसा एग्जाम हुआ है, वो बर्डन, वो प्रेशर आपके दिमाग में रहेगा। सेकेंड पेपर में आपकी मेंटल स्टेट वैसी नहीं होगी जैसा कि फर्स्ट पेपर में आपकी रहने वाली। फर्स्ट पेपर में आप फ्री माइंड रहेंगे, जैसे कि आप जेई मेन के टाइम पे थे, फ्री माइंड तो तब भी नहीं थे, फ्री माइंड इन द सेंस एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रहेगा, ठीक है। तो मेंटल स्टेट आपकी सेम ही रहने वाली जेई मेन की, तो आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट पेपर के अंदर आपके स्कोर करने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं कंपेयर टू सेकेंड पेपर, पर ऐसा कोई फिक्स नहीं है, समझिए। हर स्टूडेंट पर जनरली पिछले कई वर्षों से देखा भी गया है कि फर्स्ट पेपर में थोड़े मार्क्स ज्यादा बेटर आते हैं कंपेयर टू सेकेंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर, अब ये जो मिथ, ये जो बात है, या हो सकता है मिथ भी हो कि हर स्टूडेंट पे लागू नहीं होती है, बट पीरियोडिकली स्टूडेंट के साथ डिस्कशन के बाद ये कई वर्षों से देखा गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पेपर वन के बाद जब आप पेपर दे के आएंगे, आपको सबसे पहले कोड मिलेगा, एक पेपर का कोड, आपको खुद को वहीं पर डिसीजन लेना है कि उसको आप अटेम्प्ट कैसे करें, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो पेपर वन आप देकर आए, जो आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़े, जिस तरीके से आपने पीसीएम को अटेम्प्ट किया, ब्रेक टाइम होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि यू शुड नॉट हैव अ सीरियस डिस्कशन अबाउट द पेपर विद एनीवन। बस एक दो लाइन बोल दिया, हाँ ठीक था पापा, पेपर ऐसा ही था, एक दो फ्रेंड्स आपके साथ है, बहुत ज्यादा डिटेल, पर्टिकुलरली किसी भी टॉपिक, किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिटेल में जाके डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है कि मेरे 5 में कितने सही हुए, वो कैसे सही हुए, क्योंकि वहां पर ऐसा कई सारे आपके स्टूडेंट हो सकता है ऐसे मिल जाए आपके आसपास वाले, जो आपको थोड़ा डिमोटिवेट फीलिंग आ जाए उनसे बात कर, वो इंटेंशनली करें या ना करें, पर कुछ बच्चों की जबरदस्ती की आदत होती है डिस्कशन करने की, अवॉइड करें। सब ब्रेक टाइम में खाना भी खाना है, लाइट फूड लीजिएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। पॉसिबल हो तो आप 10 से 15 मिनट का एक पावर नैप प्लान कर सकते हैं। अगर आप ऐसे सेंटर पे हैं जहाँ बाहर गार्डन है, पेड़ है, तो वहां पे भी आप 10 से 15 मिनट थोड़ा पावर नैप अगर बैठे बैठे भी लेना चाहें, अपने ऊपर रुमाल डाल लिया और अगर रेस्ट देना चाहें दिमाग को, आप ले सकते हैं। पर ये जो है एग्जाम के 10 15 मिनट पहले नहीं करना है, उसके बीच में जो ड्यूरेशन है वहीं पे प्लान कीजिएगा, ठीक है। और हमें सेकेंड पेपर के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर दिमाग में आता है, आपको कहीं ना कहीं दिमाग में बात रहेगी कि सर मैंने पहले पेपर में ना मैथ्स थोड़ा कम किया था, सर मैंने पहले पेपर में ना फिजिक्स थोड़ा कम किया था, सर मैंने पहले पेपर में थोड़ी केमिस्ट्री कम की थी। तो जो पेपर आपने कम अटेम्प्ट किया है, सेकंड पेपर में आपको उस सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट कम अटेम्प्ट किया उसको थोड़ा सा ज्यादा अटेम्प्ट कर लेना, या पहले अटेम्प्ट कर, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की कट ऑफ भी है, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की कट ऑफ है वो भी रहेगी। तो सब्जेक्ट की चॉइसेस थोड़ा डिपेंड करती है कि पेपर वन में हमने क्या चॉइसेस बनाई थी। जो हमारा कम अटेम्प्ट हुआ है पेपर सब्जेक्ट, उसको थोड़ा पहले अटेम्प्ट करेंगे ताकि हम उसकी एक एटलीस्ट कट ऑफ को क्रॉस कर लें, ठीक है। सर कट ऑफ कितनी रहती है, क्या दोनों पेपर से अलग अलग होती है? नहीं, पेपर वन के जो मार्क्स हैं, पेपर टू के जो मार्क्स हैं मैथ्स के, वो दोनों ऐड होते हैं, ऐसे ही फिजिक्स में, ऐसे ही केमिस्ट्री में, वो आपका टोटल स्कोर उस सब्जेक्ट का होता है और वो डिसाइड करता है। इंडिविजुअल पेपर से कट ऑफ नहीं होती है, क्यूमुलेटिव होता है। पेपर वन और पेपर टू में आपके जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं वो आपकी कट ऑफ डिसाइड कर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका किसी रीजन से पहले पेपर में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर वीक रह गया या कम अटेम्प्ट रह गया है, तो डू वन थिंग, आप उसको सेकेंड पेपर के टाइम पे ज्यादा अटेम्प्ट कीजिएगा। एग्री, समझ गए बात, ठीक है। फिर से वही चीज होगा कि आपके पास से सेकेंड पेपर आएगा और नया कोड के साथ आएगा, नए पैटर्न के साथ आएगा, नई मार्किंग स्कीम के साथ आएगा। दोपहर का टाइम रहेगा 2:30 से 5:30, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रात को आप ऑलरेडी प्रॉपर स्लीप ले चुके हैं, अपनी एनर्जी आपको मेंटेन करनी है और वो थ्रू आउट द सेशन 3 घंटे में बिल्कुल मेंटेन करके चलना है कि कुछ भी हो जाए मुझे अपना बेस्ट निकालना है। अब इसमें होता क्या है ना कि कई बच्चे, ये इस बात पे एग्री भी करोगे और आप कमेंट करके मुझे बताना भी सही, जब हम फाइनल पेपर, सेकेंड पेपर दे रहे होते हैं ना, तो हमारी एफिशिएंसी ऊपर नीचे जाती है और दिमाग में एक बात आई, अरे जैसे तैसे इस पेपर को खत्म करो जल्दी से, फिर मेरे जो आफ्टर एग्जाम्स के प्लान्स जो मैंने बना रखे हैं कि मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, ये करूंगा, मूवीज देखूंगा, उन रिलेटिव के यहाँ जाऊंगा, ये हमारे दिमाग में एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं सारे प्लान्स।
और आप एक बात पे और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आपके साथ कभी ये होता है कि आप कोई एग्जाम दे रहे तो आपके दिमाग में पैरेलली कोई और चीज भी चल रही होती है कि मेरे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी रैंक पे क्या होगा, या कुछ और चीज जो आपके कोई आप पुरानी मूवी आदि देखी वो भी कई बार दिमाग में पैरेलल चलती रही होती है, या कोई कहानी किस्सा या मम्मी पापा की कोई बात, क्वेश्चन सॉल्व चल कर रहे हैं साथ के साथ वो भी पैरेलल चल रहा है? अगर ऐसा होता है अवॉइड दैट, एक लाइन सोचना, ये मेरे साल भर की मेहनत है, 2 साल की मेहनत है, मैं इसको खराब नहीं कर सकता, तो जो तो आपके सामने क्वेश्चन है उसी पर फोकस कीजिएगा, उसी पर फोकस कीजिएगा, ठीक है? तो ये कॉन्सेंट्रेशन की बात रहेगी, तो अपने आप को जगाना उस टाइम पे, झकझोर देना, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, लेट मी फोकस ऑन द पेपर, लेट मी फोकस ऑन द पेपर। सो लास्ट टाइम का हरी नहीं करना है कि जल्दी से खत्म करो, मेरे तो दूसरे प्लान बने हुए आफ्टर एग्जाम मुझे क्या करना है। एक सिंसियर और सीरियस स्टूडेंट ये ध्यान रखता है इस बात का, और लास्ट मोमेंट के जो लास्ट के 10-15 मिनट होता है ना, वहां भी बड़े पंगे हो जाते हैं, बड़े पंगे होते हैं। कैसे, क्या करना चाहिए वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो क्वेश्चंस आपने आधे अधूरे सॉल्व किए हुए हैं, आधे अधूरे जो रह गए थे, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, तो आपका जो जो आपको पैड दिया है, राइटिंग पैड दिया, उसके अंदर उनको आपको ढूंढना आसान होना चाहिए, ढूंढे फटाफट से, और उन्हीं को कंप्लीट करें, रादर देन अगर आपने पूरा पेपर एक बार देख लिया है तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए जो पहले आधे सॉल्व हुए थे या पार्शियल सॉल्व हुए थे, उनको आंसर तक पहुंचाइए। इसके अंदर एक बात होता है कि अगर आप ऑप्शंस को 4 में से 2 ऑप्शंस हटा पा रहे हैं तो इसको बोलते हैं कैलकुलेटिव रिस्क लेना, तो आप वहां पर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। हाँ, या 2 ऑप्शन तो बन नहीं रहे, बचे हुए 2 ऑप्शन से इसी के अंदर कुछ ना कुछ ऑप्शन सेट होना चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं। रादर देन बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में आते आते स्पेशली केमिस्ट्री में ओवर अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, आज 5 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, तो कुछ ना कुछ तो मैं टिक करके आ ही जाता हूँ, क्योंकि इतने मार्क्स में तो वैसे भी नहीं होने वाला, चलो मैं कुछ और मार्क करके आ जाता हूँ, तो ओवर अटेम्प्ट करके आ जाते हैं पेपर को, क्योंकि बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान रखिए, लास्ट में अपना इंटीग्रिटी मेंटेन करिए, उसको कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, और जो क्वेश्चंस पहले के आधे आधे छोड़े हुए हैं, ऐसे जरूर होंगे आपके पास क्वेश्चन, उन्हीं को फिनिश करने की कोशिश करिए। हालांकि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स का 1 मार्क फिजिक्स के 1 मार्क और केमिस्ट्री के 1 मार्क से रिलेटिवली ज्यादा आपको रैंक डिसाइड ट्राई ब्रेकर पॉलिसी में सपोर्ट करता है, तो आप ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि अगर आपने तीनों पेपर सब्जेक्ट के कर लिए हैं और अगर आपको लास्ट में टाइम बचा हुआ है, तो यू कैन गो फॉर फर्स्ट फॉर मैथमेटिक्स, जो क्वेश्चन आधे सॉल्व है उनको सॉल्व कर, क्योंकि एक ही मार्क पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो उनके मार्क्स जब कंपेरिजन होते हैं तो वो मैथ्स के हिसाब से पहले डिसाइड होते हैं उनकी रैंक, और फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। तो जब आपकी फाइनल रिजल्ट आएगा ना, तब तो मार्क्स नहीं आएंगे, रैंक आएगा, ये भी ध्यान रखना है ना। तो पैनिक नहीं होना है हमें इन चीजों के अंदर बिल्कुल भी, ये सोचते हुए कि सर अब कैसे करें क्या करें। अब एक जब भी आप अगर एग्जाम में पैनिक भी हो जाते, एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बात तरीका बताता हूँ, आंखें बंद करना अपनी और एक ठंडी सांस लीजिएगा, एक गहरी सांस लीजिएगा, रिलैक्स, शांत, आपकी बहुत सारी टेंशन जो आप दिमाग में चल रहे हैं वो सब काफी हद तक रिलैक्स हो जाए, और फिर जहां फंसे हुए हैं वहां से वापस से उठाइएगा, करिएगा प्लानिंग, और से देखिएगा कहाँ पर मैं रह गया, कौन सी चीज मेरी रह गई है, कौन सी मुझे अटेम्प्ट करनी है। ये एनालिसिस अगर आपने एक बार करने की कोशिश की, तो लास्ट टाइम की जो हरी होती है जिसमें कि मिस्टेक्स करते हैं उससे कई सारे मतलब हैं, पेपर में लास्ट में आते आते 7-8 क्वेश्चन पर तुक्के लगा के आगे, जिन क्वेश्चंस की नेगेटिव मार्किंग नहीं है उनको आप यू कैन टेक कैलकुलेटिव रिस्क अगेन, उसके अंदर आप सोचिए क्या मैं इसके अंदर क्या ऑप्शन मैच हो सकता है, क्या चीज होनी चाहिए, क्योंकि मार्किंग हमें स्कीम अभी भी मालूम नहीं है ना, मालूम रहेगी, तो इस बारे में सोचिएगा जरूर, ठीक है? और जिनके अंदर रिस्क है माइनस उनकी मार्किंग है और आपको लगता है यू कैन टेक द रिस्क, तो लीजिए रिस्क को, पर ऐसे नहीं कि रैंडम ABCD लिखा हुआ है तो घर में किसी छोटे बच्चे ने या दादी के हिसाब से कुछ भी मार्क करके आ गए, ऐसे नहीं, हमें हमारे हिसाब से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की नॉलेज लगाते हुए कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए फिर मार्क करके आना, ठीक है? सो क्या बोला मैंने, लास्ट के 10-15 मिनट बहुत अलग होते हैं पेपर के शुरुआत के 10-15 मिनट से, ठीक है? तो लास्ट में आते आते ये ब्लंडर्स मत कीजिएगा जो बहुत जल्दबाजी में हम लोग करते हैं, अवॉइड बीइंग, ओके? वो करना ही नहीं है हमें, है ना? तो ये बात मैंने आपको बता दी। अब मैं बात करूं अगर यहां से आपसे, तो एक ही बात बोलूंगा, स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट, हमें एक ही बात पे फोकस करना है कि मुझे जितना आता है मुझे बस वो कन्वर्ट कर कर आना है मार्क्स के अंदर, दैट्स इट,
कितने मार्क्स पे क्या कॉलेज, किस पे क्या रैंक, घर पे प्राइवेट कॉलेज पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया, ये सब डिस्कशन में घुसना ही नहीं है। और पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है, सपोर्ट योर चाइल्ड, सपोर्ट योर चाइल्ड। छोटा बच्चा है, 16 17 18 साल का है, सिंसियरिटी उसके अंदर आ रही है, और इस एग्जाम से वो स्टूडेंट जिसकी प्रिपरेशन से वो काफी सारी बातें सीखता है। तो वही हम बोलते हैं, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही, सूरज देख रुक गया है तेरे आगे झुक गया है, सूरज देख रुक गया है तेरे आगे झुक गया है, चला चल दिल के सहारे, देती है मंजिल तुझको इशारे, देख कहीं कोई रोक ना ले तुझको पुकार के। ओ राही हो राही हो राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, फोड़ के आइएगा और अच्छा करके आइए, जितना आपको आता है उतना करके आइए, सब अच्छा होगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू।